नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपनी जो यूनिट नंबर 3 है सॉलिड स्टेट, जिसमें सबसे पहले अपन लोगों ने बात करें तो अभी अपनी जो 2-3 क्लासें हुई हैं उनकी अगर अपन बात करें तो पहली क्लास में अपन लोगों ने बेसिक बातें की कि क्या क्या चीज़ें अपने को सॉलिड स्टेट में क्या करनी है, स्टडी करनी है। उसके बाद में सॉलिड स्टेट के जो बेसिक करेक्टर होते हैं उनकी अपन लोगों ने बात की, ठीक है। और उसके बाद में अगली क्लास जो अपनी थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें अपन लोगों ने 2 प्रकार के सॉलिड पढ़े, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट वाले को अपन लोगों ने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड और इरेगुलर वाले को अपन लोगों ने कौन सा बोला, अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर अपन लोगों ने इसमें डिफरेंस की, तकरीबन 7 से 8 अपन लोगों ने डिफरेंस की। 1-2 डिफरेंस कोई आप लोगों का है तो आप लोग वो नोटबुक से क्या नोटबुक में किताब से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपन ने जो सेकंड चीज़ जो पढ़ी उसके बाद में जो क्वेश्चन की बात करें तो वो था टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार। और उसकी अपन बात करें तो ठोसों के प्रकार जो बताए गए हैं उनका आधार जो आप लोगों का माना गया था, वो आधार माना गया था कि वो ठोस किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कंस्टिट्यूट्स जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, और उनके साथ साथ जो आपस में घटक कण जुड़े हुए हैं वो बॉन्डिंग किस प्रकार का है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपन लोग बात करें तो अपन लोगों ने बात की थी आप लोगों की आयनिक सॉलिड की, और एक खास बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि चाहे आप लोग कोई सा भी सॉलिड पढ़ना, आप लोग उसकी 4 बातें करोगे। सबसे पहले उसके घटक कण कौन से हैं, कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स कौन से हैं उनकी बात करोगे, उसके बाद में उसमें बंध का प्रकार कौन सा है आप लोग उसकी बात करोगे, नंबर 3 आप लोग जिस चीज़ की बात करोगे वो था उसका प्रॉपर्टीज, और नंबर 4 जो बहुत ही आसान था उसके 2 एग्जाम्पल। आई बात समझ में? तो अंतिम अपनी जो क्लास हुई थी उसमें अपन लोगों ने जिस चीज को डिस्कस किया था वो एक तो था आप लोगों का आयनिक सॉलिड, क्या था आप लोगों का आयनिक ठोस। अगला कौन सा था आप लोगों का मेटालिक सॉलिड, कौन सा था आप लोगों का धात्विक ठोस। उसके बाद की अगर अपन लोग बात करें तो अपना कौन सा था कोवेलेंट सॉलिड, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो अपन बात करें नंबर 4 पे तो वो क्या था आप लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए पहला प्रकार का ठोस आप लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा प्रकार का ठोस आप लोगों ने पढ़ लिया, तीसरा जो आप लोगों का ठोस है उसकी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। आज देखिए मैं आप लोगों का यहाँ बोर्ड पे मेंशन चीज़ें वो नहीं करूँगा, कारण क्या है कि सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हुई हैं, ठीक है। तो मैं वर्बली आप लोगों का बोलता जाऊँगा और आप लोग अपनी कॉपी में क्या करते जाइए मेंशन करते जाइए, ताकि अपना टाइम जो है अपना समय जो है वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का जो आप लोगों का जो सॉलिड रहेगा वो कौन सा रहेगा आप लोगों का कोवेलेंट सॉलिड, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सहसंयोजक ठोस। कौन सा सॉलिड आप लोगों का कोवेलेंट सॉलिड, हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी। आप लोग मेरी बातों को सुनते जाइए और कॉपी में मेंशन करते जाइए, क्योंकि सब चीजें अपन लोग क्या है शुरुआत की क्लासों में अपन क्लियर कर चुके। अब देखिए इसमें सबसे पहले बताइए अपन कौन सी बात लिखेंगे, घटक कण। तो लिखिए आप लोग घटक कण, कोवेलेंट सॉलिड में आप लोग पहली चीज है घटक कण, लिखिए इसमें एरो डाल करके आप लोग कि इसके घटक कण क्या होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लेसर देन 1.7, ऐसे परमाणु जिनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से कम हो, 1.7 से कम हो, एक बार आप लोग लिखिए, ऐसे परमाणु जिनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से कम हो, ठीक है। घटक कण आप लोगों ने क्या लिखे, ऐसे परमाणु जिनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर क्या हो 1.7 से क्या हो कम हो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी तो सबसे पहली चीज तो विद्युत ऋणात्मकता, तो इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर रहेगा आप लोगों का, लेकिन इसकी एक परिभाषा चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अपन जो लिख रहे हैं वो चीजें तो अपने क्या हो जस्टिफाई हो। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसी भी परमाणु की वह क्षमता
द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एटम, किसी भी परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उस पावर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखिए अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2.1। तो कोई भी ऐसा ठोस जिनमें दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर अगर 1.7 से ज्यादा है तो वो लगभग क्या हो जाएंगे, आयनिक। लेकिन 1.7 या 1.7 से कम है तो वो सॉलिड कौन से होंगे, आप लोगों के कोवेलेंट सॉलिड। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज आप लोग लिखिए उनके मध्य टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नंबर दो क्या लिखेंगे अपन, संयोजक ठोस में। दूसरी चीज अपन क्या लिखते हैं, बंध का प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो बताइए कोवेलेंट सॉलिड जो होंगे उनमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, लिख लीजिए आप लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तीसरी चीज बताइए अपन क्या लिखते हैं, आप लोगों ने कॉपी में मेंशन भी कर लिया होगा, लिखिए गुणधर्म प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिखिए एरो डाल करके, सबसे पहले कठोर हार्ड कठोर कोमा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। कोमा तन्यता अनुपस्थित, तन्यता नहीं पाई जाती है, तो एक ही शब्द लिख लीजिए तन्यता अनुपस्थित, कोमा इनमें आघात वर्धनीयता भी नहीं पाई जाती, तो आप लोग लिख सकते हो आघात वर्धनीयता जो है वो भी क्या रहती है आप लोगों की, अनुपस्थित, एब्सेंट होती है। और आप लोग बताइए कोवेलेंट सॉलिड विद्युत के सुचालक होते हैं अथवा कुचालक, लिख लीजिए विद्युत के कुचालक, कुचालक, विद्युत के कुचालक, ये हो इनकी प्रॉपर्टीज इत्यादि, लिख लीजिए इत्यादि एटेक्स्ट्रा इत्यादि, एटीसी लगा दीजिए लास्ट में। अब यहां पे एक चीज क्या है, अपवाद, वो कौन सा है आपको ध्यान में आ गया होगा, ग्रेफाइट जो है एक कोवेलेंट सॉलिड होता है लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो नीचे आप लोग स्टार डाल करके लिखिए अपवाद, अपवाद एक्सेप्शनल केस क्या होती है, ग्रेफाइट, लिख लीजिए ग्रेफाइट एक, लिखिए आप लोग अपवाद में एरो लगा करके लिखिए, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होते हुए भी, ग्रेफाइट एक, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होते हुए भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है, आप लोगों से कोई पूछे कि ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होता है लेकिन फिर भी ये जो है सुचालक की भांति काम करता है, क्यों? तो आप लोग ये बोलोगे कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है, 12th क्लास में बहुत शानदार तरीके से दे रखा है, तो उसमें इसके आगे स्ट्रक्चर की भी अपन बात करेंगे, जब अपन टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर का जब आप लोग अध्ययन करोगे तो वहां लेयर्स में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आप लोगों का, फ्री रहेगा, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह से घूमता रहेगा, तो वो क्या, इलेक्ट्रॉनों का फ्रीली घूमना ही तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को शो करना, विद्युत का सुचालक होना। तो ये हुए प्रॉपर्टीज किसकी, कोवेलेंट सॉलिड की। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, हीरा है ग्रेफाइट, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, तो हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये हुआ आप लोगों का कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड। मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल क्लियर है। चौथे प्रकार का सॉलिड बताइए कौन सा है अपना, आणविक ठोस, लिख लीजिए हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड।
चौथा जो अपना सॉलिड है वो कौन सा है आप लोगों का? मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। बताइए भाई अपन कितनी बात लिखते हैं? चार बातें लिखते हैं, क्लियर है। मोलिकुलर सॉलिड में आप लोग लिखिए घटक कण। देखिए सबसे पहले घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। घटक कण में आप लोग एरो डाल करके लिखिए ऐसे परमाणु अथवा अणु, ऐसे परमाणु अथवा अणु जो आपस में दुर्बल बंध, वीक अट्रैक्शन फोर्स, दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हों, अटैच्ड बाय वीक अट्रैक्शन फोर्स। ऐसे अणु परमाणु जो आपस में दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हों। ब्रैकेट में कोष्टक में आप लोग क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन बंद अथवा वांडरवाल्स बंद, लिख लीजिए आप लोग हाइड्रोजन बंद अथवा वांडरवाल्स बल। तो हाइड्रोजन बंद तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, और क्या होगा एक आप लोगों का वांडरवाल्स बंद, वांडरवाल्स बंद। वांडरवाल्स बंद। दूसरा पॉइंट कौन सा लिखते हैं अपन लोग? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो लिख लीजिए आप लोग बंद का प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आ जाएगा आप लोगों का। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आप लोग एरो लगा करके लिख लीजिए हाइड्रोजन बंद अथवा वांडरवाल्स बंद, एच बॉन्डिंग और वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल्स बल। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मेंशन कर लिया है। तीसरी चीज आप लोग लिखिएगा, तीसरी चीज की अगर अपन बात करें उससे पहले एक इसमें थोड़ी सी विशेष चीज है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अपन कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं, कौन सा बॉन्डिंग? अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो एच बॉन्डिंग और वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बात करें सॉलिड की तो अपना कौन सा है? आणविक सॉलिड। और ये आणविक सॉलिड आप लोगों के तीन प्रकार के होंगे आगे जाके देखिएगा। इधर एक तो क्या होगा आप लोगों का ध्रुवीय, एक क्या होगा आप लोगों का अध्रुवीय, और एक क्या होगा आप लोगों का हाइड्रोजन बंद युक्त। तो आप लोगों ने दूसरी बात लिख ली होगी, तीसरी बात अपन प्रॉपर्टीज की करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर आप लोग अध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे लिखना है अपने को, एक बार बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और एच बॉन्डिंग आणविक ठोस। आगे देखिए, इधर देखिए अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, मतलब जहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आता है? जीरो आता है। क्लियर है? तो जैसे मैं आप लोगों से बात करूं अध्रुवीय की, तो आप लोग मेरे को ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा होता है भाई, ये तो आपको पता होना ही चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये फोर्स लगेगा इधर और ये फोर्स ये क्या है? डाइपोल मोमेंट है। क्या है? डाइपोल मोमेंट। लेकिन सेंटर पे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? म्यू बराबर जीरो। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आता है वो चीज क्या होती है आप लोगों की? अध्रुवीय होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो वो होगा तो कौन सा आपका? आणविक ठोस। और आणविक ठोस में भी ये कौन सा होगा आप लोगों का? अध्रुवीय आणविक ठोस। इसी तरीके से मैं आप लोगों से बात करूं आयोडीन की, तो आपको पता होगा फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। वजह क्या है? जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे चीजें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, और जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आती हैं वैसे वैसे गैस अवस्था द्रव में और द्रव अवस्था ठोस में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? अब ध्रुवीय,
तो ध्रुवीय में आप लोग देखिएगा, ध्रुवीय की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों का क्या जाएगा, HCl आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी अपन बात कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड युक्त की अगर आप लोग बात करोगे तो H2O, और H2O कौन सा, बर्फ वाला, क्या है, आइस, क्या है आप लोगों का, आइस। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आणविक ठोस में दूसरी बात लिखने के बाद में ये चीज है आप लोगों का, तो इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए कि आणविक ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। तो आणविक ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी आप लोग इस चीज को मेंशन करें। ठीक है, यूज करके आप लोग लिख लेना, क्योंकि अपन आज की क्लास में इनको फिनिश करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड को। क्लियर है, आगे लिख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज। नंबर 3, इसकी जगह छोड़ दीजिए, आप लोग लिख लिया तो ठीक है, वरना यूज करके आप लोग आगे इसकी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर मेंशन कर लेना। आगे तीसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टीज लिखिए आप लोग। जब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा तो बताइए वो कठोर थोड़ी होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, प्रकृति में मुलायम, सॉफ्ट इन नेचर, प्रकृति में मुलायम, सॉफ्ट इन नेचर। फिर जब प्रकृति क्या है, सॉफ्ट है, तो गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा नहीं होने, तो कोमा लिखिए, कोमा, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कम गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है, तथा तन्यता और आघात वर्धनीयता क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो लिख लीजिए आप लोग, तन्यता और आघात वर्धनीयता अनुपस्थित। थोड़ा सा जल्दी करें, स्पीड बढ़ाएं आप लोग, क्योंकि ये सब चीजें अब अपना खाका तो तैयार है ही कि किस तरीके से करना, आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। चौथा, इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सारे हो ही गए, लेकिन फिर भी आप लोग चौथा पॉइंट कर लीजिए, उदाहरण, उदाहरण आप लोग लिख दीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, कोई भी दो एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिए। क्लियर है, ये अपना कौन सा हो गया, आणविक ठोस। चारों प्रकार के टाइप्स ऑफ सॉलिड मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों का एक आयनिक ठोस, एक ठोस आप लोगों से पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड, तो कैसे उसको अपने को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और अगर चारों आप लोगों से पूछे जाएं, तो वो चीज मैंने आप लोगों को सामने बोर्ड पे पूरी लिखवा दी है आप लोगों की नोटबुक में। ये टाइप्स ऑफ सॉलिड का जो टॉपिक है वो क्या हुआ आप लोगों का, फिनिश हुआ। अब आप लोगों का तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, कि अगर आप लोग केमिस्ट्री में आगे जाने के बाद में कैरियर को सर्च करते हो, कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो अभी जो से जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वहां से तय है कि एक या दो क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं। तो तीसरा टॉपिक आप लोगों का क्या रहेगा, दो टॉपिक हो गए अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड और टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब अपन जिस चीज की बात करेंगे वो आएगा आप लोगों का यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। आप लोगों ने समझा, एकक कोष्टिका और उसके प्रकार। देखिए बोर्ड पे एक बार, आप लोगों को कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, केवल आप लोग मेरी बातों को सुनते जाइए, और बातों ही बातों में अपन इन सारी चीजों को अपन क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। आप लोगों की हेडिंग जो है वो है एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, और इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। बस एक बार आप लोग ये देखिएगा बोर्ड पे, कॉपी वगैरह में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, केवल इन चीजों को समझिए, क्योंकि एक चीज आप लोगों को जो आज की क्लास में समझा दूंगा, आगे की जो 3-4 क्लासें आएंगी वो इसी पे ही बेस्ड होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए एकक कोष्टिका होती क्या है, दो टॉपिक अपने क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो कन्फ्यूजन है। तीसरा टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट सेल, और आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि ये तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से चल रही हैं, अगर अपनी ऑफलाइन क्लास होती है तो अपना कमरा जो होता है वही अपने लिए सॉलिड स्टेट होता है। कैसे, आप लोग कभी जैसे ऑफलाइन क्लासेस आपने जैसे आएगी यहाँ पे,
तब अपन बात करेंगे कोई चीजों को किस तरीके से क्लियर किया जाता है एक जगह बैठे बैठे, ठीक है। तो यहां देखिए, ये आप लोगों के सॉलिड स्टेट का क्या है, आधार है, एक कोष्ठिका। जैसे अपने से पूछे कि अपना शरीर है तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है, क्या है, कोशिका है। इसी तरीके से आप लोगों का जो सॉलिड है उसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक सेल होती है। कहने का मतलब अपनी बॉडी की अगर अपन बात करें तो अपने में बॉडी में जो आप लोगों की लाखों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, लाखों जो कोशिकाएं, उन सब से मिलकर के क्या बना, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से क्या बना, अंग बना, अंग से क्या बना, शरीर बना। इसी तरीके से यहां पर भी वही गेम चलेगा, कोशिका से आपका एक क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल से क्रिस्टल समुदाय बनेगा। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड स्टेट में ये जो आप लोगों की हेडिंग है यूनिट सेल अथवा एक कोष्ठिका, ये क्या है, सॉलिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे पूरा सॉलिड क्या करेगा, बेस्ड रहेगा। आई बात समझ में? तो होती क्या है, जैसे आप लोगों को मैं पहले एग्जाम्पल दूंगा, उससे चीजें क्या हो जाए, आप लोगों की क्लियर हो जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आपके गली मोहल्ले में, गांव में जो ईंटें जो होती है उनका जो चट्टा लगा रहता है, अब उसमें ईंटें क्या होती है कि जब उनको काउंट किया जाता है तो उसमें चट्टे के एक ईंट के उसके अरेंजमेंट के हिसाब से क्या किया जाता है, उन सबको काउंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक एक ईंट को हम काउंट करते हैं, जब वो ट्रक वाला जो डालता है तब एक एक ईंट, ऐसा नहीं होता है। वो जो चट्टा लगाया जाता है उसमें ईंटों के अरेंजमेंट के आधार पर अपन क्या बता देते हैं कि भैया ये तो इतनी हजार ईंटें हैं, इनमें इतनी कम है और इतनी क्या है, ज्यादा है। तो वो जो एक ईंट है, अरे उस चट्टे में क्या है, साइज क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, उसकी क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। और अपन मकान बनाते हैं तो जो ईंटें अपन मंगवा रहे हैं वो भी क्या है, एक ही ब्रांड की है, तो सेम चीज की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। और उस पूरी पुनरावृत्ति होकर के क्या बन रहा है, बड़ा चट्टा बन रहा है। तो वो जो एक ईंट है वो क्या हो गई, उसकी यूनिट सेल, यानी कि एक ईंट को बार बार रिवाइज करने पर, मतलब उसी प्रकार की ईंट को, ठीक वैसे ईंट को बार बार रिवाइज करने पे क्या बन रहा है, पूरा चट्टा बन रहा है। तो वो पूरा चट्टे को अपन क्या कहें, अगर कहें तो एक ठोस, और एक ईंट जो है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने से क्या हो रहा है, पूरा चट्टा बन रहा है, तो वो एक ईंट क्या हो गई आप लोगों की, यूनिट सेल। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग साबुन का एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने माचिस की जो डिब्बी आती है, वो बड़े पैकेट की अगर अपन बात करें, एक डिब्बी फिर थोड़ा सा वो बनता है 20-30 रुपए का, उसके बाद में एक बड़ा जो पैकेट आता है 250-300 रुपए का। तो एक छोटी जो माचिस की जो डिब्बी जो होती है, जो सेम होती है पूरी तरीके से, तो वो चीज क्या होती है, वो माचिस की डिब्बी क्या होती है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, अगर क्रिस्टल की बात की जाए तो वह छोटी से छोटी संरचना जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आप लोगों की, यूनिट सेल। आज की क्लास में कुछ भी मेंशन नहीं करना, केवल आप लोग तो सुनते जाइए। मैंने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संरचना, आप लोग तो अपने मकान को याद कर लीजिएगा और उसमें एक ईंट को याद कर लीजिएगा, आपकी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संरचना जिसको बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की क्या हो, प्राप्ति हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, एक कोष्ठिका। और एक जो आइडियल यूनिट सेल होती है उसकी अगर अपन बात करें तो इधर देखिएगा, एक आइडियल यूनिट सेल, मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि ईंट का साइज सब ब्रांड का सेम आता है, किसी का बड़ा ईंट, अगर अपन बात करें तो किसी की ईंट का क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा होता है, किसी का छोटा, लेकिन उन सब की क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति तो होती है ना, चीजें तो क्या होती है, सेम होती है। बस उसी चीज को आप लोग समझिएगा, एक ये आपके सामने है, आगे मैं आप लोगों से इस तरीके से बात कर दूं, ये लो भाई, ये भी यूनिट सेल है और ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है और ये भी यूनिट सेल है। इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी तो ये अपना सॉलिड बनाएगी, और इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी तो ये अपना क्या बनाएगी, सॉलिड बनाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होती है, आइडियल होती है, क्या होती है, आदर्श होती है। और बातें किसकी की जाती हैं, आदर्शों की जाती है, उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर बातें चीजें आप लोगों की चेंज होती रहती हैं, उनको भी पढ़ा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम अपन शुरुआत किससे करते हैं, आदर्शों से करते हैं, आइडियल स्थिति की अपन बात करते हैं। तो अगर अपन आइडियल स्थिति की बात करें तो एक यूनिट सेल में क्या क्या चीजें आप लोगों की हो सकती हैं, आज अपन केवल इन्हीं की बात करके अपनी क्लास को खत्म करेंगे। लेकिन आज की क्लास ये जो होगी, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत आसान चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है। देखिए कैसे, देखिए ये आपका एक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं, देखिए ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं अपने आप में,
लेकिन अपन इनको क्या सीरियसली नहीं लेते, और आगे जाने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तब अपन क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आई बात समझ। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें कि एक आदर्श एक आइडियल यूनिट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी बात करते हैं। बहुत आसान है लेकिन मैं हर क्लास में बच्चों को ये बिल्कुल मेंशन करवाता हूँ और आगे जाने के बाद में बहुत फायदे भी मिलते हैं। देखिए कैसे, ये जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोने। तो इसमें कोने कितने हो गए, आठ। एक बार आप लोग केवल बोर्ड पे देखिएगा कोने कितने होते हैं, आठ। ये जो चीज होती है ये क्या होते हैं, किनारे, एज एज। क्या होते हैं, एज, किनारे। तो चार किनारे ये, फिर एक दो तीन और चार, आठ और चार ही किनारे कितने हो गए, नीचे हो गए। बहुत आसान चीजें हैं लेकिन आगे जाने के बाद में इन्हीं से ही बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व होंगे, तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी कि इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं ये। बारह ये हो गए। उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूं फलक की, फेसेस, फलक। तो फलक देखिए, एक फलक ये, एक फलक ये, एक फलक इधर का, एक फलक इधर का, एक ही अपने सामने फ्रंट और ये बैक साइड का क्या फेस। तो टोटल फलक कितने हो गए आप लोगों के, छह फलक हो गए। उसके बाद में देखिए अगर अपन बात करें बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की बात करें, फेस डायगोनल की बात करें, ठीक है। फेस यानी फलक और बॉडी। अब देखिए आपके सामने जो चीज है ये आपका क्या है, एक तरीके से यूनिट सेल, आइडियल यूनिट सेल है। और आइडियल बनने का मतलब क्या है, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है और ये जो रेड है आप लोगों का, इसको भी आप लोग एक बार व्हाइट मान लीजिए। आप लोग इसको इमेजिन कीजिए कि ये सब कुछ एक जैसा है, या तो सारे फलक क्या है रेड है, या सारे क्या है आप लोगों के सारे क्या है व्हाइट है। अब देखिए ये जो आप लोगों का सामने आपको दिखाई दे रहा है, यूं मान लीजिए ये आपको बेटर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, क्या फेस है। और इस फेस में अगर मैं विकिरण की बात करूं तो एक विकिरण तो ये हो सकता है और एक विकिरण क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक फेस में कितने विकिरण मिलेंगे, दो। तो टोटल फेस कितने हैं, छह। तो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे अपने, बारह। तो अपन बात करें कुल फलक विकिरण, देखिए ये अपनी क्लास है वो अभी कंप्लीट हो जाएगी, आज आप लोग इस चीज को समझिए। केवल कुल फलक विकिरण कितने होते हैं, एक में होते हैं दो, तो छह में कितने हो गए, बारह। कितने हो गए, बारह। और अगर बात करें अगर बॉडी डायगोनल की, काय विकिरण की, बॉडी डायगोनल की अगर आप लोग बात करोगे तो इस चीज को अगर आप लोग, जैसे आपका कोई कमरा है वो मान लीजिए पूरी तरीके से क्या है, क्यूब है। तो उसमें देखिए इस किनारे को इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे। बोल सर किसको किससे, तो देखिएगा आप लोग जिस कमरे में बैठे हो ना, मान लीजिए वो कमरा एक क्यूब है, अगर वो आयत भी है ना तो आप लोग तो इसको क्यूब मान लीजिए कि यहाँ आकर के ये क्यूब बन जाता है। आप लोग अपने हिसाब से उसमें क्या है, इमेज करके उसमें दीवार लगा दीजिए कि हाँ मेरे लिए तो दीवार इतनी है। फिर क्या होगा, इस कोने से इस कोने को मिलाइए, ये विकिरण हो गया। फिर उस कोने से इस कोने को मिलाइए, विकिरण हो गया। दो तो ये हो गए और दो यहाँ मिल जाएंगे। इस कोने से इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए। तो टोटल जो है काय विकिरण कितने होते हैं आप लोगों के, चार। आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे, आप लोग इसको चलते चलते अपने आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को प्यूज करके। तो आगे की बातें वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज अपन लोगों ने बहुत ही बेसिक और बहुत आसान चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन आने वाली क्लास को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।